लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारे बीबी को बना देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजद सुप्रीमो लालू यादव को लेकर के हमेशा एक बात सोची जाती है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वर्ष 1996 में जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे तो उन्होंने अपने जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। तो आज इसे लेकर के खुद लालू यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल लालू यादव आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और इसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को निशाने पर लेते हुए लालू यादव ने वर्ष 1996 के उस प्रकरण को भी याद किया जब राबड़ी देवी बिहार में मुख्यमंत्री बनी थी और उस दौरान की घटना को याद करते हुए लालू यादव ने कहा है कि नित्यानंद राय जो मौजूदा समय में भाजपा के नेता हैं, एक दौर में वे बार बार उनसे मिन्नत करते थे कि उन्हें अपनी पार्टी में यानी कि राजद में शामिल कर लिया जाए और राजद में शामिल अगर उन्हें कर लिया जाता तो आज तो राजद खत्म हो चुकी होती, क्योंकि नित्यानंद राय को ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनका अलग अलग उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं आज लालू यादव ने, जिसमें उन पर गाय भैंस कटवाने सहित अन्य प्रकार की बातें की है। तो इन्हीं तमाम बातों को करते हुए लालू यादव ने यह भी बताया कि वे अपनी जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को किन वजहों से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का तब निर्णय लिया था। दरअसल अगर आप याद करें तो वर्ष 1996 में ही लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में पहली बार उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उसी दौरान उन्होंने अचानक से अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार की सियासत में ला दिया और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का जो लालू यादव का निर्णय था उस निर्णय को लेकर के आज भी कई तरीके की बातें होती हैं कि जब लालू यादव के आसपास कई अन्य बड़े नेता कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे कई उनके विश्वास पात्र थे तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि राबड़ी को ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो इसी को लेकर के अब जो खुलासे लालू यादव ने किए हैं आप सुनिए उनकी पूरी जुबानी। केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय नाम है। नित्यानंद राय ठेकेदार था, ठेकेदारी करता है। रामकृपाल क्या थे तो जानते ही होंगे आपको, बस स्टैंड पर पटना बस स्टैंड पर टेम्पो चलवाना और लोगों को नोट दुगना करना और होटल कब्जा करके उसमें रहना। लालू यादव का राज नाम बाद में हमको मालूम हुआ, बाद में ये सब तो होटल ये पूरे टोली को बदनाम कर रहा है, चारों तरफ बदनामी कर रहा है। यादव यादव एक है, यादव दो नहीं है, ये लोग यादवों की शक्ति को खंडित करता है और इसका गढ़ है हाजीपुर। हाजीपुर में ये जो केंद्रीय राज्य मंत्री जो बना है ये पहले हमारे यहाँ अप्रोच करता था आने के लिए, बीजेपी ने इसको बनाया था कि इसको मुख्यमंत्री बनाना है, जादू में मुख्यमंत्री बनाना है। अभी तक बोलता देखा हमने लालू यादव राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, राबड़ी देवी को नहीं बना देते तो तुम्हारे बीबी को बना देते।